नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार के कैमरी रोड स्थित इनकलाब माल कॉलोनी में। यहीं आप ये जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में राजू पंजाबी किराए के मकान में रहते थे और इसी मकान से बीते 7 सालों में यहाँ रह रहे थे और इसी मकान से उन्होंने अपने गायकी की शुरुआत की थी। यहाँ के पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है कि उनका बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ उनका स्वभाव था। पड़ोसियों से मिलते जुलते थे, पूरी तरह से एक जैसे फैमिली मेंबर की तरह वो जो इस एरिया में रहते थे और जैसे आम जो लोग हैं उनसे बोलचाल रखते थे, पूरे राम रमी करते थे और उनके परिवार के बच्चे हैं यहीं वो खेलते थे। कुछ उनके जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम है जी डूंगर सिंह। डूंगर सिंह जी, आपके घर के सामने बिल्कुल राजू पंजाबी जी जो मशहूर हरियाणा के सिंगर, हरियाणा नहीं वर्ल्ड में सिंगर, काफ़ी उनके नाम गाने हैं, कई रिकॉर्ड है। कैसा उनका स्वभाव था और किस तरह से उनका व्यवहार था आसपास के लोगों में, किस तरह से क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया जी, अच्छा व्यवहार था सभी के साथ और बड़े सील स्वभाव के थे जी। वो 2016 से लगातार यही रह रहे थे किराए पर और उसका एक छोटा भाई भी उसके साथ रहता था, बलवंत नाम है उसका। अब वो अलग रहता है पास वाले बिल्डिंग में, किराए पर ही रहता है। बड़े ही अच्छे उसके थे जी। इतने बड़े सिंगर थे, कभी उन्होंने कोई घमंड दिखाओ भी और अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत नहीं करनी या एक फैमिली मेंबर की तरह यहाँ पे जो पड़ोसी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल जी, फैमिली मेंबर की तरह रहते थे, कोई ऐसा घमंड नहीं था किसी भी तरह का, बिल्कुल ही सील स्वभाव के थे। ऐसा लगता नहीं था कि इतने बड़े सुपरस्टार के बीच में आप रह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, बस जैसे फैमिली मेंबर ऐसे ही रहते थे हमारे साथ और मैं करीब 2 साल से रह रहा हूँ यहाँ। आप 2 साल से यहाँ पे रहे? हाँ 2 साल से रहे, तो बहुत ही अच्छे जी, मिलनसार थे। मिलनसार थे तो आपसे राम रमी डेली करते? डेली डेली जी, डेली बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे कोई लड़का होता है। यस, हाँ, उसी तरह बिल्कुल बिल्कुल जी, दूर से ही भी अंकल जी राम राम जी। हाँ बिल्कुल अच्छे। परिवार में यहाँ कौन कौन रहता था, उनके बच्चे साथ में रहते थे? हाँ जी, उसकी घरवाली थी और 2 छोटी गुड़िया थी उसके, एक बेटी का नाम बिंदु जो बड़ी है वो शायद 8th क्लास में पढ़ती है, एक छोटी थी उसका नाम नोबिता वो 1st क्लास में पढ़ती थी। तो अभी जो इतने कब से वो बीमार थे, आपको या आप पड़ोस में रहते हालचाल भी आपने पूछा होगा, तो किस तरह से किया था उन्होंने क्या? जी वो करीब 10-11 दिन से पीलिया बता रहे थे, भी पीलिया है उसको, तो जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, 5-6 दिन एडमिट भी रहे वहाँ, हॉस्पिटल भी गया था मैं उसके पास, तो ठीक दिख रहा था, अभी ठीक हो गया। उसके बाद उसको छुट्टी भी मिल गई थी, घर आ गए थे और 2 दिन घर रहे, एक दिन रात को भी दिक्कत होगी, जाकर लेके गए थे हॉस्पिटल और घंटा के बाद उनको ठीक ठाक हो गए, ग्लूकोज वगैरह दी थी और परसों सुबह फिर थोड़ी सी वो महसूस मत दिखाया, हमें कहा भी तू दिखा के आ राजू, थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है हमें भी, तो सुबह वो चेकअप के लिए गया होगा। वहाँ जा कर के फिर उन्होंने कहा भी तेरे में तो 4 ही ग्राम खून रहे है और शाम को फिर ब्लड वगैरह दिया उसको और रात को ज़्यादा डैमेज हो गया और 4 बजे के करीब है अंतिम। तो उनके स्वभाव के बात की जाए, उनके काफ़ी कलाकार भी इनसे मिलने के लिए आते थे, तो आपसे आपने भी? हाँ हाँ, होती थी राम राम सभी से, अच्छे बिल्कुल ठीक, अच्छी तरह से अच्छा था जी, बिल्कुल मिला के बहुत ही बिल्कुल ही एक बहुत ही परिवार की तरह, क्योंकि उनका परिवार तो राजस्थान में रहता था, वो कमी आप पूरी करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा अच्छा, बड़ा मिलनसार बंदा था जी। उनकी फैमिली भी जो मिसिज है, बच्चे आपके घर में? हाँ बिल्कुल, खूब आते जाते रहते, कोई ऐसी बात नहीं, घर जैसा काम था जी। तो गाने वगैरह आप भी सुनते थे उनके? हाँ गाने गुणे भी सुनते थे, दिखाते थे, वो गुड़िया थी उनकी छोटी, वो कई बार यूट्यूब चला के कभी ये पापा के ये गाने दिखाती थी, देखते थे। तो ये थे पड़ोसी और जो बता रहे थे कि राजू पंजाबी का किस तरह के स्वभाव थे। आपका क्या नाम है सर? मेरा मांगेराम। मांगेराम जी, यहीं रहते हो इसी? मैं यहाँ माल कॉलोनी में काम करता हूँ भाई साहब, मिस्त्री का। अच्छा, मिस्त्री का। हाँ तो आपसे भी मुलाकात? बहुत बारी मुलाकात हुई, आजाद खंडा के पास बैठते थे वो। अच्छा। बहुत अच्छे बंदे थे। तो कैसे क्या बातें करते थे, क्या किससे कोई? नहीं वो एक बार आजाद खंडा जी बोल रहे थे, बोले ये अपने टुकड़ी से लगानी है, तब उनसे बात हुई थी, बोले भैया ये तो सिंपल है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे मतलब। अच्छा, यानी बिल्कुल स्टारडम का कोई घमंड नहीं था, बिल्कुल आम लोग मेरी तरह आपकी तरह बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे रहते थे, बहुत बढ़िया बंदा था, एक नंबर का बंदा था, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो आप गाना सुनते थे उनके पूरे? हाँ हाँ, रोज गाना आपको याद है कोई ऐसे आप जो? ये मतलब सारे सॉलिड बॉडी और मतलब कई गाने थे इसके हिट हुए, मतलब सैंडल है और
हेयर लवली कई सॉन्ग थे उसके, बहुत अच्छा बंदा था। बाकी बहुत दुख आया, कल 1:30 बजे खबर मिली थी, मैं दुकान पे था, बहुत बढ़िया बंदा था भाई साहब, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छा बंदा था। चलो ये थे आसपास के रहने वाले, कुछ और महिलाएं हैं उनसे बातचीत कर लेंगे, वो क्या कहेंगे इस बारे में। राम राम जी। तो राजू पंजाबी जी आपके पास आते हैं, आपके घर के सामने बिल्कुल रहते हैं, तो किस तरह का स्वभाव था? जमा सही है जी। गड़बर का था आपको? क्या कहते थे, क्या बात? आंटी जी कहते थे आपको? हाँ आंटी जी। तो आपसे मुलाकात हुई है? हाँ जी, पहले ही दिन में कन्ने ही बैठी हॉस्पिटल में गए जी। अच्छा। हाँ मुझको ठीक है बेटा, बोल ठीक हूँ आंटी, टेस्ट कराई हूँ। हाँ। और मुझको बेटा नहीं ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में दिखा ले, बोल ना आंटी सही हो जमा, एक घंटा बतला गया ही। अच्छा। हाँ, जमा सही है बेटा, मार तो गरीब वर्ग मैं तो 7 दिन हटे नहीं थी, ऐसी आप ही बैठ रहे थे तो इनकी मिसिज भी आपके साथ में बैठ रही? अठे ही मैं बैठी हूँ जी, बैठी रहती हूँ। हाँ बालक अंतर में 1:30 बजे घर जाती हूँ। जमा सही परिवार भाई बेटा, फिर जमा लिख के उन्हें आई बात ले। तो वैसे उनके शरीर से तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे वो, आपने पास आते, आपको ये उम्मीद कभी नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा? ना को नहीं बेटा, इसी उम्मीद को नहीं जमा। तो यहीं पे वो गाने का रियाज वगैरह करते थे या अलग से कोई स्टूडियो वगैरह था इनका? अलग है परना स्टूडियो था। यहाँ पे भी से वो रहते थे? रहता रहता। रामनवमी उठते सुबह खूब आया करती। उनकी कोई बात याद आ रही है आपको? नहीं आ रही भाई बेटा, कल को मैंने तो अब जमा जा के कौन पड़ रही, इतनी आ रही है। कोई बात आप बताना चाहे, कोई किस्सा, कोई हंसी मजाक का या ऐसा? हंसी मजाक बेचारो कौन करते, उन्हें भी संग को खूब रखे तो नमस्ते कर तो पैर छू तो बिल्कुल वो कहने गए गड़बड़ को जन गड़ को बैठो जी बिल्कुल घमंड नहीं था क्या ही चीज़ होता। उनके स्वभाव की बात करें कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो दूसरे जो सिंगर है वो उनके गाने अच्छे चल जाते हैं और एक तरह से वो स्टार बन जाते हैं, हीरो की तरह वो रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ना कोई कमेंट कौन उसका कोई कमेंट कौन। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह यही सेम लाइन है मेरी भी, बहुत ही अच्छा लड़का था राजू पंजाबी, और हम तो कल गए थे वहाँ पे अंतिम संस्कार गए थे। तो आप उनके फैमिली जैसा ही था हमारा, मेरे को भाभी जी बोलता था। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लड़का, उसके बच्चे भी इन मेरे को ताई जी, इनके पापा को ताऊ जी बोलते थे, उसकी वाइफ भी भाभी जी भाई साहब ऐसे बोलते थे, अच्छे थे। ऐसे लगता नहीं था कि इतनी जल्दी? हाँ ना बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा, विश्वास बहुत अच्छा। जी आपको ये थे जो इनके पड़ोसी जो काफ़ी भावुक हो गए। सर आपसे दो बात और करना चाहेंगे कि जब भी वहाँ ये जो आते थे और था तो उनके व्यवहार के बारे में तो आपने बता दिया, दूसरा जब ये शूटिंग वगैरह में जाते थे तो कभी लेट नाइट आते या और आते तो किसी तरह का आस पड़ोस को किसी को? ना 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 कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी तरह का जी, अपने सीधे घर में आना, और ये बल्कि घरवाली है तो उसकी गाड़ी की आवाज़ से ही गेट खोल देती थी, उसको पहले से पता होता था 12 बजे आएंगे 10 बजे आएंगे, कोई ऐसी डिस्टरबेंस नहीं। तो उसके बाद अब पूरा परिवार वहाँ पे गया, उनके मिसिज वगैरह? हाँ गए हैं, हाँ सारे गए जी, कल सुबह गए यहाँ से और 3:15 बजे करीब दाह संस्कार होगा, काफ़ी पब्लिक थी जी, पूरे हरियाणा भी, पूरा राजस्थान के भी काफ़ी लोग थे, पंजाब से भी आए हुए थे, वैसे इनकी रिश्तेदारी ज़्यादातर पंजाब में। तो आसपास के जो कॉलोनी के लोग भी काफ़ी गए यहाँ पे? गए हाँ, यहाँ पे भी आ गए? हाँ यहाँ पर भी आए थे, लेकिन फिर उनको बता दिया अभी राजस्थान में लेके गए उनको, घर को तो बहुत लोग आए यहाँ भी, राजू का कौन सा घर है, ये यहाँ किराए पर रहते थे। चलो ये थे जो राजू पंजाबी जी के जो पड़ोसी और जो बता रहे थे कि किस तरह से उनका स्वभाव था, किस तरह से वो रहते थे और कैसा आस पड़ोस के लोगों के साथ उनका तालमेल था, ये सारी ये जो जानकारी है ये पड़ोसियों ने दी। साफ तौर का यही कहना था कि उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था, एक आप देख सकते हैं कि एक किराए के मकान में वो रहते थे इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी, और बिल्कुल आस पड़ोस में बिल्कुल ही एक कॉमन जो लड़का होता है, एक यंग जो बॉय होता है, एक उस तरह से वो रहते थे। और आगे की तरफ उनके भाई है जो बलवंत है वो किराए पर रहते थे, और आप ये थे जो ये आसपास के जो पड़ोसियों ने अपनी राय रखी। आप देखते रहिए सिटी तहलका और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।